हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल विदित किड्स क्लासेस। आज की क्लास में डियर लर्नर, मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की क्लास नंबर पार्ट नंबर 5 होगी, ठीक है, पढ़ाएंगे। तो आप लोग जानते हैं, तो जैसे देखो, पहला दिया हुआ 59 का मल्टीप्लाई 5 से होना, तो 5 का टेबल 9 बार, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ठीक है, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 45 का मतलब तो हम यहाँ पर 45 हुआ, क्या हुआ 45, 45 का हम क्या लिखेंगे, ओनली 5 लिखेंगे, 4 हमारा क्या बचेगा, हासिल बचेगा। उसके बाद में 5 का टेबल 5 बार पढ़ोगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 25 और प्लस कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 2 कितना हो जाएगा, 29। तो यहाँ पे लिख देंगे 295, ठीक है। तो 5 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 5 1 5 9 45 के 5 लिखेंगे, 4 हासिल बचेगा, 5 का टेबल फिर 5 बार पढ़ेंगे, कैसे, इससे पढ़ेंगे, फिर 5 5 25 और 4 जोड़ देंगे, उसमें कितना हो जाएगा 29, कितना आ जाएगा 295। अगला है 9 का टेबल 8 बार पढ़ना है, तो 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, तो 9 8 72 होता, तो 72 क्या 2 लिख देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा सेल, फिर 9 8 72 और 72 और 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 7 2 9 और 7 कितना हो जाएगा 792 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 792। 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 8 72 के 2 और 9 9 8 72 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72 7 79 हो जाएगा 79, ठीक है, क्या हो जाएगा 79। अगला देखो 88 का मल्टीप्लाई 8 से करना, तो 8 8 कितना होता 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 6 64, तो कैसे 64, ऐसे 64 लिखे जाएगा, 64 का हम 4 लिखेंगे, 6 क्या हासिल बचेगा, फिर 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा, 6 को जोड़ोगे, 6 4 10 और 1 0 1 हासिल बचेगा, और 6 1 7 70 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 704 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 का मल्टीप्लाई 4 से, 5 5 20 होता, 20 का 0 कितना बचेगा 2 रिमाइंडर, 5 5 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 लिख देंगे। अगला देखो 4 का टेबल 6 बार पढ़ना, 4 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24 के 4 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 2, फिर 4 का टेबल 9 बार पढ़ो या 9 का टेबल 4 बार पढ़ो, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 और 36 2 कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ पे 38 लिख देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 384। अगला क्वेश्चन देखो 6 का टेबल 8 बार पढ़ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 5 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 48, 48 का 8 हो जाएगा कितना बचेगा 4, और फिर 6 का पहाड़ा 9 बार, 6 8 48 था, तो 6 9 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, तो 5 और 8 आ जाएगा, ठीक है, यही क्या है। अगला देखो 6 का टेबल 2 बार पढ़ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2 कितना बचेगा 1 बचेगा हासिल, फिर 6 का टेबल 7 बार, तो 6 7 42, 42 से कितना हो जाएगा 43, यहाँ पे 43 लिख, ठीक है, क्या लिख देंगे 43। आगे बढ़ते 8 का टेबल 7 बार पढ़ना, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 56 का कितना हो जाएगा 6, हासिल कितना बचेगा 5, फिर 8 7 56 था, 8 का टेबल 8 बार पढ़ना, तो 8 7 56, 8 8 64, 64 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 69, 69 यहाँ पे कितना आ जाएगा 696। अगला है 9 का टेबल 9 बार, 9 9
नाइन, नौ एकम नौ, नौ दुनी अठारह, नौ त्रिक सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, नौ पच्चीस पैंतालीस, नौ चार चौवन, नौ सती तिरसठ, नौ आठ बहत्तर, नौ नौ इक्यासी, नाइन नाइन जा 81। 81 का कितना लिखेंगे, वन लिखेंगे, और एट क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइनिंग बचेगा, ठीक है। तो नाइन नाइन जा फिर 81, 81 में एट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एट प्लस वन नाइन, एट प्लस वन नाइन और एट कितना हो जाएगा, 89 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका अगला, देखो एट का टेबल फाइव बार, आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ त्रिक चौबीस, आठ पंचे चालीस, तो आठ का टेबल फोर बार चालीस, कितना बचा चार रिमाइंडर। फिर आठ का टेबल नौ बार, आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ त्रिक चौबीस, आठ पंचे चालीस, आठ छंग अड़तालीस, आठ सती छप्पन, आठ टाई चौसठ, आठ नौ बहत्तर, और बहत्तर चार छिहत्तर, कितना हो जाएगा 760। अगला देखो नाइन का टेबल सिक्स बार, 86 का मल्टीप्लाई नौ से करेंगे तो नौ, नौ एकम नौ, नौ दूनी अठारह, नौ त्रिक सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, नौ पच्चीस पैंतालीस, नौ छाक चौवन, चौवन के चार कितना बचेगा, पांच बचेगा। फिर नौ अठी बहत्तर, नौ छाक चौवन, नौ सती तिरसठ, नौ अठी बहत्तर, बहत्तर और पांच कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 77 हो जाएगा, 77, यहाँ पर 77 लिख। अगला प्रश्न देखो आठ का टेबल सात बार, तो आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ त्रिक चौबीस, आठ पंजे चालीस, आठ चंग अड़तालीस, आठ सती छप्पन, छप्पन हो जाएगा, फिर इसमें पांच रिमाइंडर बचेगा, फिर छप्पन में पांच जोड़ोगे कितना हो जाएगा 61, तो यहाँ पर 61 लिख देंगे, 616 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो एट का टेबल थ्री बार पढ़ना, आठ एकम आठ, आठ दूनी सोलह, आठ त्रिक चौबीस, चौबीस के यहाँ पे चार लिख देंगे, दो रिमाइंडर बच जाएगा। नाइन एट जा कितना होता, तो आप जानते 72, 72 और टू कितना हो जाएगा 74, यहाँ पर 74। अगला प्रश्न है नाइन का टेबल फाइव बार, नौ एकम नौ, नौ दूनी अठारह, नौ त्रिक सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, नौ पैंतालीस, पैंतालीस का पांच चार हासिल बचेगा, नौ पच्चीस पैंतालीस, नौ का टेबल छह बार, नौ पच्चीस पैंतालीस, नौ छाक चौवन, और चौवन और चार कितना हो जाएगा 58, तो यहाँ पर 58 लिख दे, 585 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट, नौ का टेबल सिक्स बार पढ़ना, नौ एकम नौ, नौ दूनी अठारह, नौ त्रिक सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, नौ पच्चीस पैंतालीस, नौ छाक चौवन, चौवन के चार हो जाएंगे, पांच रिमाइंडर बचेगा, नौ और नौ छाक चौवन, चौवन पांच कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, तो यहाँ पे 59 लिख देंगे, 594 हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में डियर लर्नर यहीं तक, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर ये आपको क्लास में स्पीड लगती हो तो आप इसको दो से तीन बार देख, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर डियर।